नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। चैप्टर का नाम है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, जिसमें ये सबसे पहले देखते हैं प्रॉफिट। कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस कि कब लॉस होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉफिट और लॉस कब होगा और किस चीज के ऊपर होता है। तो इसमें कुछ टर्म्स हमको पढ़ने होंगे, सीपी, उनके बारे में पहले बता देते हैं। एसपी, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, और एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। आइए देखते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब ये है कि आप या कोई भी सेलर जिस कॉस्ट पे किसी भी ऑब्जेक्ट को खरीदेगा वो कॉस्ट क्या कहलाती है, कॉस्ट प्राइस कहलाती है। और वो सेलर जिस प्राइस पे उसे बेचेगा वो प्राइस क्या कहलाएगी, सेलिंग प्राइस कहलाएगी। तो आइए देखते हैं, सपोज करते हैं कि आपकी एक शॉप है और उस शॉप से आप कोई सामान बेचते हैं। सपोज करिए कि शॉप जो है आपकी बुक्स की शॉप है और एक बुक आप खरीदते हैं 300 रुपये में। कितने में खरीदते हैं, 300 रुपये में। अगर आप बुक 300 रुपये में खरीद रहे हैं तो इसकी कास्ट प्राइस क्या होगी, यानी सीपी क्या होगी, 300 रुपीज। और आप सपोज करते हैं कि इस बुक को आप कुछ फायदा लेकर के बेचना चाहेंगे, कुछ गेन या प्रॉफिट लेकर के बेचना चाहेंगे। प्रॉफिट के लिए दूसरा टर्म क्या यूज होता है, गेन। तो आप इससे कुछ फायदा लेकर बेचना चाहेंगे। सपोज करिए कि आपने कितने में बेच दिया इस बुक को, 350 रुपीज, क्योंकि आपने 350 रुपीज में इसको सेल किया है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस यानी एसपी। अब ध्यान दीजिए कि जब एसपी सीपी से ज्यादा हुआ, एसपी सीपी से ज्यादा हुआ, तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। क्या हो रहा है, प्रॉफिट। यानी कंडीशन क्या बन गई कि व्हेन SP greater than CP, when SP greater than CP, तो उस केस में आपको क्या होगा, प्रॉफिट। अब वो प्रॉफिट किसके बराबर है, वो प्रॉफिट कितने के बराबर हुआ, आपने 300 में सामान खरीदा, 350 में बेचा, तो 50 रुपये का फायदा हुआ, तो बिल्कुल नॉर्मल आपको पता है। लेकिन इसको फाइंड कैसे करेंगे मैथमेटिकली, तो ये क्या होगा, एस पी माइनस सी पी। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस पी माइनस सी पी। ओके, देखिए आपके लिए फार्मूला बनता है, प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। तो पहले ये समझना था। अब इसी एग्जांपल में अगर हम देखें कि आपने जो 300 रुपये का ऑब्जेक्ट खरीदा था, अगर इसी 300 रुपये ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हैं, 250 रुपीज में सेल करते हैं। अब ऐसा तो आप जानबूझ के करना नहीं चाहेंगे, तो सपोज कर लेते हैं कि आपकी उस बुक को किसी चूहे ने काट दिया, तो आप क्या करेंगे, उसको किसी ना किसी प्राइस पे निकालना चाहेंगे कि कुछ तो मिल जाए। तो पूरे के पूरे 300 रुपये जाने से अच्छा है कि कुछ मिल जाए। तो आपने कितने पे बेच दिया उसको, 250। अगर आपने उसको 250 रुपीज में बेचा तो आपको क्या हुआ, लॉस या प्रॉफिट। ऑब्वियस सी बात है, आपको क्या होगा, लॉस होगा। और ये लॉस कितने के बराबर होगा, तो ये लॉस आप देख रहे हैं कितने रुपए के बराबर हो रहा है, 50 रुपीज। लेकिन अगर इसकी भी सिमिलरली हम कंडीशन देखना चाहें तो ये लॉस कब हुआ, जब ये सेलिंग प्राइस 250 में बेचा, कि सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस आपकी कास्ट प्राइस से क्या था, कम था। जब सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस से यानी 300 से क्या था, कम था, तो उस केस में आपको क्या हो गया, लॉस। यानी लॉस के लिए कंडीशन क्या बनेगी, लॉस के लिए कंडीशन हो जाएगी कि लॉस कब होगा, व्हेन, कंडीशन क्या होगी, व्हेन एसपी क्या हो जाए, लेस देन सीपी। यानी लॉस कब होगा, लॉस की कंडीशन होगी कि व्हेन एसपी लेस देन सीपी। ठीक है, जब एसपी हमारा क्या हो जाए, सीपी से यानी बेचने की कीमत हमारी खरीदने की कीमत से क्या हो जाए, कम हो जाए, उस केस में आपको क्या होगा, लॉस होगा। नेक्स्ट थिंग आइए देखते हैं, वो लॉस किसके बराबर होगा।
बहुत ही इजीली आप कह सकते हैं, जैसे प्रॉफिट था तो जो ज्यादा था उसी से तो हम माइनस करेंगे, तो वही लॉस को देंगे। यहाँ पे क्या होगा, 300 माइनस 250 करके आपको पता लग जाएगा कितने रुपए का लॉस हुआ, 50 रुपीज का। 300 क्या था सीपी और 250 क्या था एसपी, यानी लॉस इक्वल टू क्या होगा हमेशा सीपी माइनस एसपी। सिंपल सी बात है, कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक सैंपल अपने दिमाग में बना लीजिए। आपकी शॉप, आपने कुछ खरीदा और फिर उसको कुछ बेचा, जब आपने बेचा तो आपको क्या हुआ, फायदा या नुकसान, और उसी के बेस पे आप क्या कर सकते हैं, फार्मूले को खुद ही डिराइव कर सकते हैं। तो आइए इस पर देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। तो ये देखते हैं कि एग्जांपल जो है, और वो एग्जांपल कैसे बना सकते हैं, आपके बीच से ही एक एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज किया था कि हमने आपकी, कि आपकी एक बुक की शॉप है, चलिए आपकी शॉप है बुक की, और अब कहते हैं कि आपने बुक जो है 500 में खरीदी, यानी आपकी कॉस्ट प्राइस क्या है, सपोज कर लेते हैं कि आपने क्या किया 500 रुपीज़ में क्या करी, एक बुक खरीदी आपने, तो उसके लिए क्या हो जाएगी, सीपी 500 हो गया। और सपोज करते हैं कि आपने इसको 525 रुपीज़ में सेल कर दिया, तो सेलिंग प्राइस इसकी क्या हो जाएगा 525 रुपीज़। तो इस केस में आप हमको ये बताइए कि प्रॉफिट होगा या लॉस। तो एग्जैक्टली आपको क्या देखना है कि अगर सेलिंग प्राइस क्या है सीपी से, यानी कास्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और ये प्रॉफिट जो होगा वो दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, तो दोनों का डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब आइए देखते हैं, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो क्या आएगा, तो सेलिंग प्राइस है हमारी 525 और कास्ट प्राइस क्या है 500 माइनस 500 इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 रुपीज़। तो आपने यहाँ से प्रॉफिट निकालना सीख लिया। एक अदर एग्जांपल लेते हैं कि बुक सपोज करिए आपको कितने की मिली थी, 500 रुपये की आपने खरीदी, ये कास्ट प्राइस रहा, लेकिन इस बार आपने बेच दिया कितने में, 390 रुपीज़ में, तो ये क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। फिर तो चूहा काटा होगा या कुछ हुआ ही होगा ऐसा ही, तभी आपने घाटे में बेचा होगा, और अगर आपने लॉस में बेचा है तो लॉस किसके बराबर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जितने में खरीदा था और जितने में बेचा है उन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। और वो जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, जो बड़ा होगा उसको पहले रखें, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ क्या है सीपी बड़ा है, तो सीपी माइनस एसपी कितना हो जाएगा, ये 500 माइनस 390 कितना आएगा, तो उस पर माइनस करेंगे ये आ जाएगा 110 रुपीज़, यानी आपका लॉस क्या हो गया 110 रुपीज़ का। और इस केस में प्रॉफिट कितना हुआ 25, इस केस में लॉस हुआ आपका 110 रुपीज़। अब प्रॉब्लम जो बनेगी वो होगी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट के ऊपर में, ना कि आपको प्रॉब्लम मिलेगी कि नॉर्मली आप प्रॉफिट फाइंड करो या लॉस। तो ये देखते हैं प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है। तो सिंपल सी एक छोटी सी बात याद रखें, और वो बात क्या है कि किसी भी क्वांटिटी में जो चेंज होगा वो चेंज ही डिसाइड करता है कि चेंज का परसेंट क्या होगा, चेंज ही डिसाइड करता है चेंज का परसेंट क्या होगा। और जो चेंज होता है उसको हम कहाँ रखते हैं, न्यूमरेटर में, और जो ओरिजिनल क्वांटिटी होती है वो डिनोमिनेटर में, यानी एक रेशियो होता है, वो जो रेशियो है वो डिसाइड करता है कि परसेंटेज क्या होगा। तो किसी भी चीज़ का परसेंटेज का मतलब क्या होता है, चेंज अपॉन ओरिजिनल और इनटू 100, जो कि आप लोगों ने परसेंट में देखा ही है, पिछली क्लास में हमने आपको बताया भी था इसके बारे में। तो अगर हम प्रॉफिट परसेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्रॉफिट परसेंट की बात करते हैं, तो ये देखते हैं यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, तो सही मायने में चेंज क्या था, जो बदलाव आया वो प्रॉफिट के ही तो बराबर था, तो ये क्या हो जाएगा प्रॉफिट और अपॉन जो रेशियो में ओरिजिनल था, ओरिजिनल बदलाव किस में होगा हमेशा,
हमेशा किस में होगा? सीपी में। चेंज हमेशा किस में होगा? प्रॉफिट और लॉस के केस में, सीपी में, जिसमें आपने जिस कास्ट पे आपने खरीदा था उस कास्ट में ही चेंज आ रहा है। तो हमेशा नीचे कौन आएगा? सीपी, और इनटू 100, चूंकि परसेंट का मतलब होता है हर 100 पे, तो यहाँ पे क्या आएगा? इनटू 100। अब अगर इस केस के लिए हम निकालना चाहें कि इस केस में कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, तो उसको कैसे निकाल सकते हैं? ये देखते हैं कि केस वन जब हमने क्या किया था, 500 में खरीदा था और 525 में इसको सेल किया था। तो हमने देखिए प्रॉफिट पहले निकाल रखा है, कितना है वो? 25। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 अपॉन ये चेंज 25 रुपी इसमें आया है, ये सीपी में आया है, तो ओरिजिनल है सीपी, वो हमेशा नीचे आएगा, तो वो क्या हो जाएगा? 500 और इनटू 100 कितना हो जाएगा? 100 बन जा 5 और 5 जा 25। कितने परसेंट का चेंज हुआ? 5% का। 5% का क्या हुआ? प्रॉफिट या गेन। 5% का प्रॉफिट या गेन। बिल्कुल सिमिलर फैशन में अगर हम चलें तो हम देख सकते हैं इस केस में लॉस क्या होगा। तो लॉस परसेंट की अगर हम बात करें तो सेम मैनर में देखेंगे क्या आएगा? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, क्योंकि लॉस भी किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस में ही होगा। चेंज किस में हो रहा है? हमेशा कॉस्ट प्राइस में हो रहा है। तो लॉस अपॉन सीपी और इनटू 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? देखिए यहाँ पे लॉस कितना था? 110 पहले निकाला गया था, और अपॉन सीपी आपका क्या है? 500 और इनटू 100 इज 5 to 10 5 to 22%। यानी इस बार आपका लॉस परसेंट क्या रहा? यहाँ पे 22% का लॉस, और यहाँ प्रॉफिट परसेंट क्या था? 5% का प्रॉफिट। आई थिंक आपको लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट अब निकालना आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा डिस्काउंट, तो उसको इसी समय हम पढ़ेंगे, ठीक है? जो है आइए देखते हैं डिस्काउंट। तो दो चीजें अब तक हम लोग देख चुके हैं, प्रॉफिट लॉस, और एक नया टर्म है कौन सा? ये डिस्काउंट। ध्यान देने की बात है कि प्रॉफिट और लॉस किसके ऊपर होता है? हमेशा सीपी के ऊपर। सीपी में क्यों? क्योंकि जितने भी आपने खरीदा है उसमें चेंज होता है ये प्रॉफिट या लॉस। जिस प्राइस पे आपने खरीदा है उस प्राइस में चेंज होता है प्रॉफिट या लॉस। लेकिन डिस्काउंट क्या होता है? अब सोचिए कि अगर आप एक नोट्स खरीदने जाते हैं और सपोज करिए कि उस नोट्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 5 रुपी। अगर उस नोट्स के ऊपर एमआरपी या लिस्टेड प्राइस क्या है? एमआरपी या लिस्टेड प्राइस, दो तरीके की प्राइस अभी आप फिर बात करेंगे, एमआरपी या इसी को क्या कहते हैं? लिस्टेड प्राइस, और इसी को हम क्या कह सकते हैं? मार्क्ड प्राइस। क्या कह सकते हैं? एमआरपी और लिस्टेड प्राइस और मार्क प्राइस, तीनों इसके नाम हो सकते हैं। तो जो प्राइस बुक पे या किसी ऑब्जेक्ट पे जो आपने खरीदा उसके ऊपर लिखी हुई होती है, मेंशन की होती है, मार्क होती है, उसको क्या कहते हैं? लिस्टेड प्राइस, मार्क प्राइस या एमआरपी बोलते हैं। और ये जो मार्क प्राइस या लिस्टेड प्राइस है, दुकानदार क्या आपको इसी पे सामान बेचता है? तो मोस्टली आपने देखा होगा कि लिस्टेड प्राइस पे आपको सामान नहीं बेचता है। अगर ये कॉपी 5 रुपए की लिखी है तो हो सकता है कि दुकानदार आपको कितने पे दे दे? 3 रुपए में दे दे। कितने रुपए में दे दे? 3 रुपए में दे दे। अगर वो आपको इस कॉपी को 3 रुपए में दे रहा है, इस नोटबुक को आपको 3 रुपए में दे रहा है, तो ये 3 रुपए में आपने खरीदा तो वो तो आपके लिए तो कॉस्ट प्राइस, लेकिन दुकानदार ने आपको बेचा है तो दुकानदार ने आपको चूंकि बेचा है तो वो क्या है? सेलिंग प्राइस। तो उस दुकानदार के पर्सपेक्टिव में देखें तो ये 3 रुपए क्या है? सेलिंग प्राइस है। तो इस चीज को समझें कि हमेशा डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क्ड प्राइस, यानी इसको एमपी कहेंगे और एमआरपी कहेंगे, या फिर एमआरपी कहेंगे, या इसी को हम क्या कह सकते हैं? लिस्टेड प्राइस कह सकते हैं। इसके ऊपर डिस्काउंट मिलता है, यानी चेंज किसमें आ रहा है? डिस्काउंट अगर देखा जाए तो डिस्काउंट किसमें चेंज ले आ रहा है? एमपी, एमआरपी या
लिस्टेड प्राइस में ले आ रहा है। जैसे पिछले वाले उसमें हम लोगों ने देखा था कि प्रॉफिट या लॉस में बदलाव किस में होता है, सीपी में, लेकिन डिस्काउंट के केस में बदलाव किस में आता है, एमपी, एमआरपी या लिस्टेड प्राइस, जिस भी नाम से आपको मिलता है इसमें बदलाव आता है। तो याद रखिएगा, इसकी मैं बार बार जोर इसलिए दे रहा हूँ कि जब आप चेंज निकालते हैं, चेंज परसेंट निकालने जाते हैं, तो ओरिजिनल जो लिया जाता है वो वही क्वांटिटी ली जाती है जिसमें चेंज आता है, और वो चेंज किस में आ रहा है, एमपी, एमआरपी या लिस्टेड प्राइस में। तो जो फ्रैक्शन में नीचे वाले हिस्से में आता था, वहां सीपी आता था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एमआरपी आ जाएगा या एमपी आ जाएगा। सिर्फ इतना सही ध्यान देना है, बाकी सारी चीजें वैसे ही आगे बढ़नी है। तो इस एग्जांपल पे आगे बढ़ाएं तो डिस्काउंट परसेंट की बात करेंगे, लेकिन पहले डिस्काउंट देख लेते हैं। तो डिस्काउंट क्या हुआ, बहुत ही इजी बात है, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। 5 रुपए लिखे हुए थे, 3 रुपए में आपको दुकानदार ने बेचा, तो छूट कितने दिया, 2 रुपए की। लेकिन इसको अगर हम फार्मूले के तौर पर देखना चाहें तो ये सेलिंग प्राइस है, ये क्या है, एमपी है या मार्क प्राइस है। तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस यानी 5 - 3 करेंगे तभी तो वो 2 रुपए की छूट तक हम पहुंचेंगे। डिस्काउंट क्या हो जाता है, मार्क प्राइस यानी एमपी माइनस सेलिंग प्राइस यानी एसपी, ये हो जाता है हमारा डिस्काउंट। बिल्कुल सेम मैनर में जैसे हम लोगों ने प्रॉफिट और लॉस में देखा था, वैसे डिस्काउंट क्या होगा, वो मार्क प्राइस माइनस एसपी होगा। अब आइए देखते हैं डिस्काउंट के, अगर हम परसेंट की बात करते हैं, डिस्काउंट परसेंट की बात करते हैं, तो फिर से वही चीज, इसीलिए हम बार बार यहाँ पे जोर दे रहे थे कि डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है, एमपी या एमआरपी के ऊपर दिया जाता है। तो चेंज किस में आएगा, यानी ओरिजिनल हमारा क्या होगा, एमपी या एमआरपी होगा, और जो चेंज है वो क्या है, इसी डिस्काउंट के बराबर है। वो चेंज किसके बराबर है, इसी डिस्काउंट के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्काउंट और इंटू 100, चूंकि परसेंट निकाल रहे हैं, हर 100 पे निकाल रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। इसमें चलिए हम लोगों का ध्यान से निकल गया, 5 - 3 करते तो एमपी माइनस एसपी, ये डिस्काउंट क्या आ जाता, इस केस के लिए आ जाता 2 रुपीज। ओके, वैसे ये फार्मूला है, डिस्काउंट इक्वल टू एमपी माइनस एसपी, और 2 रुपए हमारा यहाँ इस केस के लिए डिस्काउंट आ गया। अब इस डिस्काउंट का परसेंट निकालना है, तो इस डिस्काउंट परसेंट को निकालते हैं, सॉरी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रही। तो डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू क्या होगा, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। आइए देखते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा, 2 अपॉन एमपी क्या था, 5 और इंटू 100, तो 5 बन जा 5, 20 जा 100, तो कितना हो जाएगा, 22 जा 40, 40%। तो डिस्काउंट परसेंट कितना निकल करके आ गया, 40%। ओके,